हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दोस्तों, हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर केवल हम ही लोग नहीं रहते बल्कि हमारी तरह कई सारी लिविंग स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। जैसे कई सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कई सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कई सारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, यानी कि हमें हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम हमारी अर्थ पर मौजूद इसी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा मतलब जितनी भी प्लांट्स स्पीसीज होती हैं अर्थ के ऊपर उसे हम कहते हैं फ्लोरा, और जितनी भी एनिमल स्पीसीज होती हैं अर्थ के ऊपर उसे हम कहते हैं फौना। अगर मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं तो फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ और फौना होता है एनिमल लाइफ। अब हम देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया में कितनी फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, तो हमारी इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारी इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा भी देखने को मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फौना भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि अभी भी आधे से ज्यादा यानी कि लगभग ट्वाइस एंड थ्राइस नंबर्स ऑफ स्पीसीज डिस्कवरी नहीं हुई है, उनकी डिस्कवरी होना भी बाकी है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी इंडिया में कितनी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज है। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। फ्लोरा एंड फौना की मदद से हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, मेडिसन्स मिलती हैं। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम काफ़ी निर्भर है फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। पर दोस्तों, चिंता की बात ये है कि इंसान इतना लापरवाह हो गया है कि वो अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, यानी कि इनसेंसिटिव हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई सारे पेड़ों की और जानवरों की स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरत है उन्हें कंजर्व करने की, यानी कि उन्हें बचाने की, क्योंकि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्या है, कंजर्वेशन करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन, चलिए जानते हैं। तो पहला बेनिफिट है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। मतलब कंजर्वेशन करने से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है और साथ में हमारा जीवन जिन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है वो भी सुरक्षित रहती हैं, जैसे कि वाटर एयर सॉइल। इसलिए कंजर्वेशन करना ज़रूरी है और अच्छा है। कंजर्वेशन करने का दूसरा बेनिफिट है इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। मतलब कंजर्वेशन करने से जेनेटिक डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल की अलग अलग वेराइटी सुरक्षित रहती है ताकि उन स्पीसीज की बेटर ग्रोथ और उनकी अलग अलग ब्रीड यानी कि वेराइटी आगे देखने को मिल सके। जैसे आज हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप उगाते हैं और हम इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज देखने को नहीं मिलेंगी। सिमिलरली कई सारे लोग फिशेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इनफैक्ट उनका मेन खाने का सोर्स फिशेज होती है। आज के समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज देखने को मिलती है, लेकिन इनकेस अगर कोई फिश की वेराइटी ख़त्म हो जाती है यानी कि विलुप्त हो जाती है तो वो हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कंजर्वेशन करना ज़रूरी है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व रहे और आगे भी अलग अलग वेराइटी देखने को मिल सके। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए, चलिए देखते हैं। तो देखो, हमारी गवर्नमेंट द्वारा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया जाता है 1972 में। गवर्नमेंट क्या करती है 1972 में एक एक्ट पास करती है जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे प्रोविजंस बनाती है वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक लिस्ट भी जारी करती है उन स्पीसीज की जिनकी लाइफ खतरे में है, मतलब जिन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो जो स्पीसीज इंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट हंटिंग पर बैन लगा देती है और साथ में जो ट्रेडिंग होती थी यानी कि तस्करी होती थी जानवरों की उस पर भी रोक लगा देती है। केवल इतना ही नहीं, आगे जाकर 1980 में और 1986 में कई सारी और स्पीसीज को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में जोड़ा जाता है।
जिसमें कई सैकड़ों बटरफ्लाईज, मोट्स, बीटल शामिल थी और एक ड्रैगन फ्लाई भी शामिल था। दोस्तों ये केवल जानवरों तक सीमित नहीं था बल्कि आगे जाकर 1991 में पहली बार प्लांट स्पीसीज को भी लिस्ट में ऐड किया गया। शुरुआत में अब 6 प्लांट स्पीसीज को ऐड किया गया। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट केवल एक्ट बना रही थी बल्कि कई सारी इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर रही थी फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। आज के समय में इंडिया में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 106 नेशनल पार्क हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर एक जानवर को बचाने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि पर्टिकुलर टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसी तरीके से एशियाटिक लायन को बचाने के लिए, घड़ियाल को बचाने के लिए, ब्लैक बक को बचाने के लिए, राइनासोर्स के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए इन्हें बचाने के लिए। पर डोंट वरी, हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में से एक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फनल बेब के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है पिछले 100 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुई है। एस्टिमेट ये बताते हैं कि 1870 में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 55,000 थी, लेकिन 1970 तक आते आते टाइगर की पॉपुलेशन गिरकर 1827 बचती है। अब दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न था कि टाइगर की पोचिंग होती थी ट्रेड के लिए, मतलब गैर कानूनी तरीके से व्यापार होता था, क्योंकि टाइगर की बोन और स्किन काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी जिसके चलते कई सारे टाइगर्स को मार दिया जाता था। दूसरा रीज़न था श्रिंकिंग हैबिटेट, मतलब जो जंगल वगैरह थे वो धीरे धीरे श्रिंक होते गए, यानी कि ख़त्म होते गए, जिस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई। तीसरा रीज़न था डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, मतलब जिन स्पीसीज को टाइगर खाते थे उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई, जिस वजह से टाइगर को खाना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। चौथा रीज़न था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब धीरे धीरे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी जिस वजह से टाइगर का रहना मुश्किल हो गया था। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई इंडिया के अंदर। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने टाइगर को बचाने के लिए 1973 में एक कैंपेन लॉन्च किया जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से टाइगर की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही थी उसमें कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हमारी इंडिया में कई सारे टाइगर रिजर्व भी हैं जो कि टाइगर को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, प्रिया टाइगर रिजर्व इन केरला। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेजर टाइगर रिजर्व के जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कितने टाइप में बांटा है। तो फॉरेस्ट को 3 टाइप में बांटा गया है। पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। इन फॉरेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी करना अलाउड नहीं होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए इन जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही कीमती फॉरेस्ट माने जाते हैं, इसलिए इन्हें चारों तरफ से कवर करके रखा जाता है। ये फॉरेस्ट हमें जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट ये उतने प्रोटेक्टेड नहीं होते जितने रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, जो लोकल लोग होते हैं, मतलब जंगलों के आसपास के जो लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट अलाउ कर देती है फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए और जानवरों को चराने के लिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन जंगलों के ऊपर कड़ी निगरानी रखती है कि कहीं कोई इंसान इन जंगलों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। ये जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी बड़ी स्केल में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया के टोटल फॉरेस्ट में से 1/3 फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट हमें राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब जैसे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। लास्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें प्राइवेट एजेंसीज भी मैनेज करती हैं एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज भी मैनेज करती हैं। इन फॉरेस्ट के अंदर सभी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति जंगल के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। इस तरह के फॉरेस्ट में वेस्टलैंड भी शामिल होते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और गुजरात के कई हिस्सों में देखने को मिलते हैं।
अब एक पॉइंट याद रखना कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को हम कलेक्टिवली परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितना भी फॉरेस्ट है, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया, उसमें से 75% एरिया परमानेंट फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो आप सोच सकते हो कि मध्य प्रदेश में कितने ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, लेकिन अब हम देखेंगे कि कम्युनिटीज़ ने कैसे प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि केवल गवर्नमेंट ने ही स्टेप नहीं लिए, बल्कि कई सारी कम्युनिटीज़ ने भी, मतलब आम लोगों ने भी, अपने लाइवलीहुड और फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई सारे कदम उठाए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग करने का प्लान किया। गवर्नमेंट ये बात जानती थी कि ऐसी जगह पर माइनिंग करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि इससे जंगल को नुकसान तो होता ही होता, साथ में वहां पर रह रहे लोगों का लाइवलीहुड भी खतरे में आ जाता। लेकिन ये बात जानती हुए भी गवर्नमेंट ने माइनिंग करने का प्लान कंटिन्यू रखा। तो इसके विरोध में जो वहां की कम्युनिटी थी, मतलब आसपास के लोग थे, वो इसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, इनफैक्ट प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को अपोज करते हैं उनके इस डिसीजन के लिए। इसका रिजल्ट ये आता है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, मतलब उस जगह पर माइनिंग करने के प्लान को कैंसिल करना पड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अलवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांवों ने मिलकर, यानी कि लगभग 5 गांव के लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो 1200 हेक्टेयर में फैले इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मन से ही उस फॉरेस्ट को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और उस सेंचुरी का नाम रखा भैरोदेव दाकव सेंचुरी। वहाँ के लोगों ने सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से ही कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और उन्होंने देखभाल करना शुरू कर दिया कि कोई हंटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। आज भी वहाँ के लोग अपनी दम पर उस सेंचुरी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेचर है तो फ्यूचर है। थर्ड हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट की, या हम इसे चिपको आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये आंदोलन हिमालयन रीजन की इंडिजीनियस स्पीसीज के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए ये पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। आपको पता है इनकी फीलिंग क्या थी उस समय पर, ये कह रहे थे कि अगर पेड़ काट रहे हो ना तो पहले हमें काटो, आप पेड़ तब तक नहीं काट सकते जब तक हम जीवित रहेंगे। ये लोग कई दिनों तक ऐसे ही पेड़ों से चिपक कर खड़े रहे और ये तब तक खड़े रहे जब तक पेड़ काटने वाले लोग वापस नहीं चले गए। उनकी इस डेडिकेशन के चलते वो डिफॉरेस्टेशन को रोक पाए। और इतना ही नहीं, इन्होंने केवल पेड़ नहीं बचाए बल्कि इन्होंने कई सारे पेड़ लगाए भी, यानी कि अफॉरेस्टेशन भी किया। सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं बीज बचाओ आंदोलन को, जिसको सेव द सीड्स मूवमेंट भी बोला जाता है। वो लेट 1980s में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत हेनवल रिवर वैली से हुई, जो कि तहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट ने इस मूवमेंट को शुरू किया और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो थे विजय जरदार। इन लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, ज्ञान था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का। ये लोग खुद भी प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को, और ये कई सारे ट्रेडिशनल सीड्स को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करते थे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और फ्यूचर में भी ट्रेडिशनल सीड्स की मदद से ट्रेडिशनल प्लांट्स और क्रॉप्स उगाई जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी, कम्युनिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी फॉरेस्ट को संभालने की और उसकी देखभाल करने की। इसके बदले में गवर्नमेंट कहती थी कि तुम फॉरेस्ट की नॉर्मल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अपने लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का काम भी हो जाएगा, कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड भी बेहतर हो जाएगा और फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम की सबसे पहली शुरुआत की जाती है 1988 से, जब उड़ीसा की गवर्नमेंट फर्स्ट रेजोल्यूशन पास करती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सेक्रेट ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र उपवन या पेड़ पौधे, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें हमसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने मन से ही प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हें देवी देवताओं के रूप से पूजते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को सेक्रेट ग्रुप्स बोला जाता है। हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों की पूजा होती है और आज भी कई सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करती है। जैसे कि छोटा नागपुर रीजन की जो कम्युनिटीज है, मुंडा एंड सेंथल कम्युनिटी, ये पूजा करते हैं महुआ एंड कडम्बा पेड़ की। उनका मानना ये है कि इन पेड़ों में उनके भगवान का निवास है, इसलिए ये इनकी पूजा भी करते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। सिमिलरली उड़ीसा और बिहार की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों का यूज़ करते हैं और उनका प्रोटेक्शन भी किया जाता है क्योंकि वो शुभ माने जाते हैं। और हम लोग भी पीपल के पेड़ की और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं
क्योंकि ये पेड़ भी सैक्रेड माने जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, हमारा कल्चर तो ऐसा है कि हम तो झरनों को, पर्वतों को, जानवरों को भी सैक्रेड मानते हैं, यानी कि पवित्र मानते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। हम देखते हैं ना, जो मंदिर होते हैं उनके आसपास हमें कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मकाओ, लंगूर, तो हम उन्हें उस टाइम पर बिल्कुल हर्ट नहीं करते क्योंकि तब हम उन्हें मंदिर का ही हिस्सा समझते हैं। इसी तरीके से इंडिया के राजस्थान में एक कम्युनिटी है जो कि है बिश्नोई कम्युनिटी, वो भी ब्लैक बक को, नील गाय को, पिकॉक को सैक्रेड मानते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं, बेसिकली उन्हें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो कम्युनिटीज का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेचर और उनकी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन कुछ ही कम्युनिटीज प्रयास कर रही हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि नेचर हम सबका है, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर को प्रोटेक्ट करने की। इसी से रिलेटेड 487 BC में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो पेड़ होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो दयालुता और परोपकार से भरा हुआ होता है। ये अपने भरण पोषण के लिए कभी कुछ नहीं मांगता, बदले में ये हमें वो सब कुछ दे देता है जो उसने अपने जीवन भर में कमाया होता है। फल, फूल, पत्ती, लकड़ी, हवा, जो कुछ भी है सब कुछ दे देता है। इवन ये इतना दयालु होता है कि ये उसे भी छाया देता है जो उसे काटने आया होता है। मेरा आपसे केवल यही कहना है कि अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। अगर आप जानवरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें मारो मत। हमारा नेचर, हमारी प्रकृति भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जिसे अगर हमने अच्छी नीयत के साथ सही ढंग से इस्तेमाल किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी क्लास 10th की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।